दाग दारू वाला। और आज हम बात करेंगे कि आने वाला ये नया साल 2024 का यह साल आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट कैसा रहेगा, शेयर बाजार कैसा रहेगा, म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा, कहां कहां आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यह समझ लीजिए कि 2024 के यह साल में शेयर बाजार सेंसेक्स जो है आप यह कह सकते हैं 76,000-77,000 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जरूर से मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर बेहतरीन रहेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतरीन रहेगा, ऑयल केमिकल इंडस्ट्री बेहतर रहेगा, ये 3-4 सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं। गैस सेक्टर आप ये समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4-5 सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरा, सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक सजेशन है कि कोई भी प्रकार का निवेश करते हैं जल्दबाजी में ना करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करें, जरूर से आपको फायदा होगा। अगर आप रियल एस्टेट में भी निवेश करना चाहते हैं तो अप्रैल से सितंबर 2024 का समय बहुत बेहतरीन है। यह समय के दरमियान किया हुआ निवेश आपको अच्छा मुनाफा अच्छा लाभ देगा। और 2024 में जो जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होने वाले हैं, जो गोचर होने वाले हैं प्लैनेट्स के, उससे आप यह समझ लीजिए कि आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे। और साथ साथ में 2024 का यह साल आप सभी की मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण करेगा। दोस्तों यह समझ लीजिए कि यह नए साल में एक नई अपेक्षा, एक नया एम, गोल, टारगेट के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो आप अपनी मंजिल पर जरूर से पहुंच पाएंगे और आपको पीछे कोई भी नहीं कर पाएगा। अब हम आएंगे पहली राशि, मेष राशि पर। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, 2024 का यह नया साल बुध का जो गोचर है वो आपके जीवन में आपको तरक्की के मार्ग पर पहुंचाएगा। आप यह समझ लीजिए कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, साथ साथ में इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी में जाकर प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए यह नया साल बहुत ही बेहतरीन है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने यानी अप्रैल तक का समय अगर आप कोई भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो यह समय बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा, मेष राशि वालों यह समझ लीजिए कि आपकी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव भी यह नए साल में आपको ख़त्म होता दिखाई देगा, यानी कि आपसी प्रेम बढ़ेगा। परिवार वालों के साथ अगर आप कोई यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो मई और जून 2024 का यह महीना, 2 महीने बहुत ही बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए कि आपने जो जो चीज़ें सोच कर रखी हैं, जो जो चीज़ें आपने प्लानिंग करके रखा है, मेष राशि वालों आपको ईश्वरीय सहायता भी मिलेगी। आपको खाली यह ध्यान रखना है कि अगर आपके घर पर कोई बुजुर्ग है, आपके माता पिता है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। मेष राशि वालों आप अपना डंका बजा सकते हैं, आप अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं, और साथ साथ में जो मेंटल स्ट्रेस था, जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो मेंटल स्ट्रेस अब दूर होता नजर आएगा, वो डिस्प्यूट्स अब दूर होते नजर आएंगे, यानी कि आपको अपने अंदर कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। मेष राशि वालों यह नया साल आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के मार्ग पर आपको जरूर से लेकर जाएगा, तो आप एंजॉय करें। वृषभ राशि, गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों आपका चंद्रमा मजबूत होने वाला है, यानी कि आप यह समझ लीजिए 2024 का यह साल में जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, जो एंग्जाइटी थी आपके अंदर, जो डिप्रेशन का माहौल बना हुआ था, वो माहौल अब दूर होता नजर आएगा, यानी कि आप मेंटली खुश रहेंगे। सबसे जीवन में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, खुशी। पैसा आज है कल नहीं है, परसों वापिस आएगा,
पर खुशी होनी चाहिए। तो वो खुशियों का आगमन 2024 में आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो विदेश जाकर कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो अपने करियर में बहुत लापरवाह थे, जिनको कुछ टारगेट नहीं मिल रहा था, बना नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप कह सकते हैं स्ट्रेस था, तो ये सब प्रकार का स्ट्रेस दूर होता नजर आएगा। यानी कि स्टूडेंट्स को करियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चार महीने जबरदस्त हैं वृषभ राशि वालों। ये चार महीने में अगर आप एक्सपांशन करना चाहते हैं, या तो फिर अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये नया साल बेहतरीन है। जो लोग ऑयल के व्यापार के साथ जुड़े हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि वो लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, भागीदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ गलत आपके साथ हो सकता है जो आपने शायद सोचा ना हो, पर हो गया है। यानी कि आपको क्या करना है, ये नए साल में आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आप इंडिपेंडेंट थे, हैं और आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है। आप अगर किसी पर भी डिपेंडेंट होंगे तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है और आपको यही लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए यही मंत्र है कि 2024 के नए साल में आप इंडिपेंडेंट रहें, खुद पर भरोसा रखकर आपका जो दिल कहता है, आपका जो दिमाग कहता है, वही कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। आप जरूर से अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे, जरूर से आपके गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। वृषभ राशि वालों, ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि, यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो इंस्टेबिलिटी अब दूर होती नजर आएंगी। यानी कि अभी आप यह कह सकते हैं कि फरवरी से सितंबर का समय आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। गुरु का गोचर चंद्र के साथ आपको अच्छे लेवल पर, अच्छे मुकाम पर ले जा सकता है। आप यह कह सकते हैं कि जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग बिल्डर्स हैं, जो लोग ब्रोकर्स हैं, दलाली का व्यापार करते हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, उनके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज का आगमन होगा। आप नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और वो प्रभावशाली लोग आपको जीवन में, आपके व्यापार में, आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, यह समझ लीजिए कि यह नए साल में आप क्या कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, उनकी आरती करें और एक ही मंत्र का आपको उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। यह मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो उतार चढ़ाव है, वो उतार चढ़ाव धीरे धीरे दूर होता नजर आएगा। आप यह समझ लीजिए, जब तक आप स्टेबल नहीं होते जीवन में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको क्या करना है, आपको अब स्टेबल होना है। अगर आप स्टेबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आगे के रास्ते खुलेंगे, आपको आगे का रास्ता क्रिस्टल क्लियर की तरह नजर आएगा और ये नए साल में जो जो चीज़ें आपने सोच रखी है कर लीजिए। आपको रुकना नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा विचारधारा नहीं करनी है। वृषभ राशि वालों को तो फर्क पड़ा ही है, पर आप यह समझ लीजिए मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये नए साल में अपॉर्चुनिटीज का भंडार आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है, पर तीन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। एक तो आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जंक फूड को अवॉइड करें ये चार महीने।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। मिथुन राशि वालों, अगर आपने सावधानी बरती तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, किसी के फोन कॉल को भी इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। आप ये तीन चीजें करते हैं तो जरूर से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जरूर से आपको अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों, यह नए साल में गणेश जी की आराधना करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन जरूर से होगा, तो आप ये नए साल में एंजॉय करें। अब हम आएंगे चौथी राशि, कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, ये नए साल में आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा विचार नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एक्शन लेना है। दूसरा, किसी से कोई भी प्रकार की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, किसी के भरोसे नहीं बैठा रहना है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रखेंगे तो आपकी उम्मीदें टूट सकती है और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो उम्मीद रखे बिना खुद पर भरोसा रखकर कार्य करिए, जरूर से मजा आएगा। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मई से समय बेहतरीन है। यानी कि ये नए साल में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पर हमारा यह सजेशन है कर्क राशि वालों, आप भले खुद का व्यवसाय करें पर आप जो करंटली में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसे ना छोड़ें। साइड बाय साइड आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और एक बार जब आपका व्यवसाय सेट हो जाता है उसके बाद आप फुल टाइम उस व्यापार पे ध्यान दे सकते हैं, पर आपकी जो ऑलरेडी इनकम चल रही है उसे बंद ना करें। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि फाइनेंशियल जो इश्यूज आ रहे थे जीवन में, जो पैसों की दिक्कतें आ रही थी, जो तकलीफें आ रही थी, वो तकलीफें अब आपको दूर होती नजर आएंगी। यानी कि आपके जीवन में पैसों का आगमन होगा। इम्पोर्टेंटली, आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था ये नए साल में? आपका सपना था खुद का घर बनाना, खुद का घर खरीदना, रेंटेड मकान में से खुद के मकान में शिफ्ट होना, तो उसका भी अवसर आपको मिलेगा। आप यह समझ लीजिए कि सितंबर से नवंबर 2024 में, ये तीन महीने में आप खुद के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो जनवरी की 21 तारीख के बाद, 21 जनवरी 2024 के बाद का समय बेहतरीन है। यह समय के दरमियान अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खुद का व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और साथ साथ में वो नया घर, वो नया व्हीकल आपके जीवन में उन्नति के द्वार खोल देगा। यानी कि आप यह समझ लीजिए, आपकी किस्मत कर्क राशि वालों चमक सकती है, पर आपको प्लानिंग कर करके कार्य करना होगा। आप क्या कर सकते हैं? विष्णु भगवान की आराधना करें और एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र का उच्चारण करेंगे कर्क राशि वालों, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं और आपका डंका बज सकता है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप सही में अपने आप को एक अलग मुकाम पर देखेंगे। कर्क राशि वालों, यह नया साल हम आपका कह सकते हैं और आपको जो जो चीजें करनी है कर लीजिए, जरूर से आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि, यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, आप लोग कौन है? आपकी राशि यानी सिंह की राशि, यानी कि निडर लोग हैं आप लोग, तो आप घबराते क्यों हैं? ये नए साल में आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप यह समझ लीजिए कि सिंह राशि वालों, जो डिसीशंस आपको लेने हैं वो ले लीजिए,
जो कार्य करने हैं वो कर लीजिए, और साथ साथ में आपने जो अपने टारगेट्स बनाए थे उसके ऊपर आपको मेहनत करने का समय आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंग्लिश में प्रोवर्ब है नाउ और नेवर, यानी कि अगर ये समय निकल गया तो शायद आने वाले समय में आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज ना मिले। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, शुक्र आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। आपके जीवन में सरप्राइजिंगली यानी कि अचानक कुछ हो सकता है। अचानक क्या हो सकता है? अचानक दो चीजें हो सकती है, एक तो अचानक आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, अचानक ऐसी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी, जिसके रेट्स नहीं मिल रहे थे, वो प्रॉपर्टी बिक सकती है, उसके रेट अच्छे मिल सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंटली आपकी पर्सनल लाइफ, यानी कि विवाह करना चाहते हैं तो अचानक आपको आपके जीवन में अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो ये साल के अंत तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। आपको अभी से यह चीज़ सोच रखनी है कि अगर आप जो भी समाज के हैं तो वो समाज में आपको जो पात्र है, लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़के, तो आगे पीछे हो सकता है पर पार्टनर्स आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि आपको यह चीज़ ध्यान में रख के कर लेना है कि यह साल बेहतरीन है आपके विवाह के लिए। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनको जरूर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये नए साल में मिलेगी। साथ साथ में अगर आप कोई भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में मत करिएगा। सिंह राशि वालों, अगर आपने जल्दबाजी में निवेश किया तो कहीं ना कहीं निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपके पैसे अटक सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर निवेश करें। लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे, लंबा समय का इन्वेस्टमेंट निवेश, तो आपको जरूर से मुनाफा देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है, तो आप उसका इंतज़ार जो कर रहे थे अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है, यानी कि एन्जॉयमेंट का समय आ चुका है, एन्जॉय करें। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, अब समय आ चुका है, घड़ी आ चुकी है आपकी। आप बहुत निराश थे, कार्यों में अटक अड़चने आ रही थी, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, कोई भी प्रकार की रुकावटें, तो वो रुकावटें अब दूर होती नजर आ रही है। यह नए साल में कन्या राशि वालों, आप अपने आप को कोई भी प्रकार का आपने जो विजन बनाया है, जो टारगेट बनाया है, उधर तक पहुंचा सकते हैं। आपके सपोर्ट में आपके परिवार वाले हैं, और परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था, जो झगड़े चल रहे थे, तो वो झगड़े भी अब दूर होंगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा। कोई भी प्रकार का लीगल केस चल रहा है तो 2024 के ये नए साल में आपको उसमें से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है, या तो फिर आप उसमें समाधान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, नया काम मिल सकता है, नए टेंडर्स मिल सकते हैं, पर जुलाई से लेकर सितंबर के ये 3 महीने आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट का टैक्स रिलेटेड कोई भी प्रकार का सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकता है। मेजर कुछ नहीं है, पर आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसे इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, मायूसी का माहौल हो सकता है। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आप ये नए साल में अपने रिलेशनशिप को, प्रेम संबंध है किसी के साथ, अपने पार्टनर को माँ बाप के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये नया साल उसके लिए बेहतरीन है। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं,
यानी कि आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये नया साल बेहतरीन है। और साथ साथ में आपको ऐसा लग रहा था बहुत समय से कि मैं बंधा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो वो स्ट्रेस दूर होगा। आपको लगेगा कि अब आप खुल गए हैं, एक पंछी की तरह आप उड़ रहे हैं। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए अपॉर्चुनिटीज तो आपको ढेर सारी मिलेगी, पर उसके ऊपर काम कैसे करना है, उस कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, वो आपको हर एक इंसान का जो कार्य से जुड़े हैं उनका सजेशन लेकर करते हैं, तो आपको जरूर से मजा आएगा। साथ साथ में जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग सेल्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आप यह समझ लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन जबरदस्त है, यानी कि आप लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और इम्पोर्टेंटली समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे और आपको कुछ अलग प्रकार का प्राउड फील होगा। कन्या राशि वालों, यह नया साल आपके जीवन में उन्नति लेकर आएगा। सातवीं राशि यानी कि तुला राशि, गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, बुध और शुक्र आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। आप यह समझ लीजिए कि बुध आपको तरक्की दिलाएगा आपके व्यापार में। जो लोग स्टार्टअप्स हैं, जो लोग ने रिसेंटली शुरू किया है खुद का व्यापार, कहीं ना कहीं व्यापार नहीं चल रहा था, अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो आप ये नए साल में अलग अलग स्कीम्स लेकर आ सकते हैं और वो स्कीम्स से आप अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि जो लोग एक्सपोर्ट के व्यापार के साथ जुड़े हैं, जो लोग इम्पोर्ट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, और जो लोग जमीन से जुड़े कार्य के साथ जुड़े, यानी कि फार्मिंग का काम करते हैं, आप यह समझ लीजिए कि कुछ अचानक आपके साथ हो सकता है, अचानक में भी आपके साथ पॉजिटिव होगा, पर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह 5 महीने सावधानी रखनी है। पैसों की लेन देन कर रहे हैं तो आपको अलर्ट मोड पर रहना है, किसी को भी पैसा उधार ना दें और उधार ना लें, अगर उधार दिया तो संबंध बिगड़ सकते हैं, पैसा आपका वापस नहीं भी मिले, और उधार लिया तो शायद आप वो पैसा वापस ना लौटा पाए, तो आपको यह 5 महीने खास ध्यान रखना है। तुला राशि वालों, आप होशियार हैं, आपको पता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपको लिमिट में कार्य करना है, साइलेंटली कार्य करना है। आप यह समझ लीजिए कि ये नए साल में आप अगर साइलेंटली कार्य करते हैं तो जरूर से आपको मजा आएगा। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बैंक में अप्लाई किया है, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं आपको लोन नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं कुछ पेपर वर्क में इश्यूज आ रहे थे, तो वो इश्यूज अभी स्टार्टिंग के 3 महीने में क्लियर हो सकता है, यानी कि फरवरी और मार्च के अंदर पैसों का आगमन आपके जीवन में होगा। आप लोग एक ऑफिस से शिफ्ट करना चाहते हैं, छोटी ऑफिस से बड़ी ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, तो बड़ी ऑफिस में भी आप जा सकते हैं। तुला राशि वालों, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और इम्पोर्टेंटली जो आपने निवेश किया हुआ था शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, जो शेयर्स का आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था, तो ये नए साल में अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, और आप अगर किसी भगवान की बाधा आपने अधूरी रखी है, आपने नहीं पूरी की है, तो वो बाधा आप पूरी करें, अभी ये 4 महीनों में पूरी करते हैं, तो जरूर से तुला राशि वालों, आपके जीवन में आपको मजा आएगा और कुछ अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाएगी, जो शायद आपने सोची भी ना हो, फील भी नहीं की हो, और वो हो गई खत्म, यानी कि आप यह समझ लीजिए ईश्वरीय सहायता, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, और जरूर से आपका डंका बच सकता है, ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपकी एक ही तकलीफ है, आप लोग जिद्दी हैं, खुद की ही चलाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, सबका सुनेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे वही जो आपको अच्छा लगता है। तो आपको ये नए साल में क्या एडवाइस है, आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको जिद्दीपना दूर करना है। दूसरा,
आपको अपना ईगो साइड में रखना है। ये दो चीज आप करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि खुशियों का भंडार, अपॉर्चुनिटीज का भंडार आपके जीवन में आ सकता है। आप यह समझ लीजिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करें। दूसरा, आपके परिवार वालों का सपोर्ट आपको मिलता रहता है, पर उनकी भी सुनिए, समझिए और उसके बाद आप एक्शन लीजिए। आपको पैसों की जब जरूर होती है तब आपको पैसा भी मिल जाता है। आपके पितरों का आशीर्वाद ये नए साल में आपके साथ रहेगा, पर शनि आपको आपके कर्मों का फल ये नए साल में देने वाला है। यानी कि आपकी जो नीति साफ थी तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिनकी नीति खराब है तो हमारा यही सजेशन है कि आपको हर एक इंसान का अच्छा सोचना है, किसी के लिए भी खराब नहीं सोचना है। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए अगर आप कोई भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो यह नया साल बदलाव वाला साल है। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल, जॉब कर रहे हैं तो प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नया साल बेहतरीन है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो मार्च से लेकर जुलाई 2024 के ये चार महीने बहुत बेहतरीन है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में ये नए साल में पैसा टिकेगा नहीं, पर आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छी डील्स आपको मिल सकती है। और आपके जो वैवाहिक जीवन में जो मनमुटाव चल रहा था, जो झगड़े चल रहे थे, शायद बात डिवोर्स तक भी आ गई थी, तो वो डिवोर्स तक की बात वापिस से प्रेम में तब्दील हो सकती है। यानी कि संबंध वापिस सुधर सकते हैं, पर उसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जमीन से जुड़े हुए रहना है और एक्साइटेड नहीं हो जाना है। मन को शांत रखकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं वृश्चिक राशि वालों, तो जरूर से आपको उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमंताय राम दुताय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं, तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और आपको लगेगा कि आप अपने आप को किस लेवल पर देख रहे हैं वो शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। यानी कि वृश्चिक राशि वाले, ये नए साल में नीति साफ रखें और कार्य करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे नवमी राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपकी राशि यानी पैसों की राशि, धन की राशि, लक्ष्मी जी की कृपा ये नए साल में आपके ऊपर बरसेगी। यानी कि आपके जीवन में पैसों का आगमन होगा, अटका हुआ पैसा मिल सकता है, लोन अप्लाई किया है वो मिल सकता है। साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, यानी कि उसमें स्टूडेंट्स आ गए, पढ़ने जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग जॉब करने जाना चाहते हैं, जो लोग घूमने जाना चाहते हैं, और चौथा जो लोग खुद का व्यवसाय करना जाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का भंडार होगा ये नए साल में। अप्रैल के बाद का जो समय है वो बेहतरीन है। यानी कि इस समय के दरमियान अगर आपके जीवन में कुछ पेपर वर्क का इश्यू आ रहा है, वीज़ा इश्यूज आ रहे हैं, पासपोर्ट इश्यूज आ रहे हैं, सिटीजनशिप को लेकर कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सभी इश्यूज का निकाल लाया जा सकता है। यह समझ लीजिए धनु राशि वालों के अटके हुए काम पूर्ण होंगे। अगर आप लोग मेटल के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो लोग रिटेलर्स हैं, रिटेल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, उनको जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एक्सपांशन का यह समय बहुत ही बेहतरीन है। आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और जो लोग क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कह सकते हैं, आर्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं, म्यूजिक का काम कर रहे हैं, या तो आप यह कह सकते हैं कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ग्रोथ निश्चित है, पर आपको अपना जिद्दीपन दूर करना होगा, जमीन से जुड़े हुए रहना है। और तीसरी चीज़,
आप चीजों को एकदम डीप में जाकर ना सोचें, लाइटली लीजिए। आप ये तीन चीजें करते हैं धनु राशि वालों, तो आप यह समझ लीजिए कि जरूर से आपका डंका बजा सकते हैं। और जो लोग खुद का घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज आ रहे थे, गवर्नमेंट से आ रहे थे, प्राइवेट लोगों से आ रहे थे, कोर्ट रिलेटेड कुछ टेंशन चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, तो वो टेंशन दूर, वो स्ट्रेस दूर आपको ये नए साल में होता नज़र आएगा। और इन्वेस्टर्स के लिए तो चांदी ही चांदी है, यस आपको अच्छा पैसा कमाने मिलेगा। लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। आपको हर एक इंसान के साथ जुड़े हुए रहना है और आपके परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। यह समझ लीजिए धनु राशि वालों, यह दो चार चीज़ें अगर आपने की तो जरूर से आप अपना डंका बजा सकते हैं। जरूर से ईश्वरीय सहायता भी आपको देखने को मिलेगी। आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है। ये दो तीन महीने में दो बार या तीन बार आपको देखने को मिल सकती है और आपको उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, सावधान रहना है, अलर्ट मोड पर रहना है। यह समझ लीजिए आप खुश अपने आप को पाएंगे। धनु राशि वालों समय बेहतरीन है, जाने मत दीजिएगा हाथ से, पकड़ लीजिए, ग्रास्प कर लीजिए। आप जरूर से खुश रहेंगे ये नए साल में, एंजॉय करें। अब हम आएंगे दसवीं राशि पर, यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, शनि बुध शुक्र मंगल आपके जीवन में भंडार भंडार भंडार, यानी कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, पर वो अपॉर्चुनिटीज आपको ही क्रिएट करनी है। यस, आप यह समझ लीजिए कि अगर आप किसी के भरोसे रहें तो आपका भरोसा टूट सकता है, निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको खुद के भरोसे रहकर कार्य करना है, तभी आपको मजा आएगा। मकर राशि वालों ट्रैवलिंग बढ़ा दीजिए। यस, ये नए साल में आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, उतना आप ग्रोथ पे जाएंगे, उतना आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली की तरफ ध्यान देना होगा। आप यह समझ लीजिए कि गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको मिल सकता है, पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा पद नहीं मिल रहा था, तो ये नए साल में अच्छा पद आपको मिल सकता है। आप यह समझ लीजिए कि आप अभी 100% मेहनत कर रहे हैं, 100% आप एफर्ट्स दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं परिणाम 40-50% के बीच में मिल रहा था। मकर राशि वालों ये नए साल में आप अपने आप को 80-85% तक ले जा सकते हैं। आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव आप ला सकते हैं। जो लोग खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो जुनून चाहिए था, वो जुनून आपको देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। मकर राशि वालों आप यह समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेशन आपको किसी से नहीं रखनी, खुद के भरोसे रहकर करिए, जरूर से आप आगे बढ़ेंगे। निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो आपको जरूर से अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ साथ में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पैसा नहीं है, या तो फिर किसी से डेब्ट हो गया, आपको किसी को पैसा देना है, उसके लिए भी पैसा नहीं है, सामने वाले मांग मांग कर रहे हैं, तो वो पैसा भी आप यह नए साल में चुका सकते हैं। यानी कि आपका जो डेब्ट है, जो उधारी हो गई है, वो उधार भी आप पूरा कर सकते हैं। मकर राशि वालों थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। मेजर कुछ लगता नहीं है, पर छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, तो वो छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो और भी इम्प्रूव होती नज़र आएगी। और शादी करना चाहते हैं तो नवंबर का महीना, नवंबर 2024 का महीना बहुत ही बेहतरीन है, आप यह महीने में शादी कर सकते हैं। जरूर से आपके जीवन में आपको खुशियों का आगमन देखने को मिलेगा। ये नया साल मकर राशि वालों आपका ही है, तो आप एंजॉय करें। अब हम आएंगे 11वीं राशि, यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था,
वो उतार चढ़ाव आप दूर होता नजर आएगा, यानी कि आप अपने जीवन में वापिस से स्टेबल होंगे। दूसरा, विरोधी यानी कि आपके दुश्मन ये नए साल में कोशिश करेंगे बिगाड़ने की, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, यानी कि आप डटकर मजबूताई से सामना कर पाएंगे। या जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, आप यह समझ लीजिए ऑपोजिशन भले कितना भी प्रयत्न करे आपको नीचे गिराने का, आपको बदनाम करने का, पर आप नीचे नहीं गिरेंगे, आप बदनाम नहीं होंगे, आप डटकर सामना करेंगे। आप यह समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों, आप लोग ये नए साल में एक अच्छे फाइटर बन सकते हैं। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको सीनियर्स द्वारा प्रमोशन मिल सकता है, प्रशंसा सुनने को मिल सकती है, और कोई भी प्रकार का प्रोफाइल चेंज भी हो सकता है, आपका प्रमोशन निश्चित है। आपको पैसों का आगमन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मार्च से लेकर जुलाई का समय बहुत ही बेहतरीन है, और अगर आपके आपकी वाइफ के साथ आपके पार्टनर के साथ झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसमें भी संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता की सेहत खराब है तो सेहत में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि नया साल बदलाव वाला साल है, यह नया साल खुशियों वाला साल है, और इम्पोर्टेंटली आपके जीवन में जो इश्यूज चल रहे थे, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था, पैसों की दिक्कतें आ रही थी, तकलीफें आ रही थी, वो पैसों की दिक्कतें अब दूर होती नजर आएंगी। आप ये नए साल में जो प्रकार का चेंज चाहते हैं, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब्ड थे तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस अब दूर होगा, परिवर्तन का समय आ चुका है। कुंभ राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं, समय को हाथ में से मत जाने दीजिए। आप यह समझ लीजिए, इम्पोर्टेंटली आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, किसी को भी डिस्क्लोज ना करें। आपको जरूर से अचानक कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा। समय आपका है, समय के हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं, डिसीशन लेते हैं, जजमेंट देते हैं, तो देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। आपको ये नए साल में स्मार्टली कार्य करना है, चालाकाई से कार्य करना है। स्मार्टली अगर आप कार्य करते हैं, चालाकाई से कार्य करते हैं, तो जरूर से आपका डंका बच सकता है, और इम्पोर्टेंटली आप लोगों को आपकी तरफ, आपके व्यापार की तरफ अट्रैक्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, ये नया साल आपके जीवन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, एंजॉय करें। अब हम आएंगे लास्ट राशि, 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, मंगल का प्रभाव आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आप यह समझ लीजिए कि मंगल आपके जीवन में, आप जहाँ जहाँ अटक रहे थे, जहाँ जहाँ आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे, वहाँ आप डिसीशंस ले पाएंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का बदलाव चाह रहे हैं, कोई भी प्रकार का आप डिसीशन लेना चाहते हैं, तो यह 3 महीनों में ले लीजिए। आप शादी करना चाहते हैं, अच्छे पार्टनर नहीं मिल रहे थे, तो आपको यह नए साल में अप्रैल के बाद का समय बेहतरीन है, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। बट अगर शादी करते हैं तो कुंडली मिलन यानी कि मैच मेकिंग जरूर से करवाइएगा, तभी जाकर आपका वैवाहिक जीवन और आप बेहतरीन बना सकते हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए खास है, कहीं ना कहीं दो प्रकार की चिंता थी, या तो एक तो संतान नहीं हो रहे थे, संतान सुख कब मिलेगा। जुलाई से लेकर सितंबर का जो समय है, यह समय के दरमियान आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, और इम्पोर्टेंटली संतान संबंधित अगर कोई आपको चिंता थी, संतान के करियर की चिंता है, तो वो चिंताओं का भी अब समापन होगा, यानी कि आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, करियर में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। जो लोग आर्टिस्ट्स हैं, जो लोग क्रिएटर्स हैं, जो लोग कोई भी प्रकार का कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, साइंटिस्ट्स हैं, मीन राशि वालों, उनके लिए समय सही में बहुत बेहतरीन है, पर आपको जमीन से जुड़े हुए रहना है,
लोगों की बात सुननी है, समझनी है और उसके बाद आपको कार्य करना है। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपको नुकसानकारक साबित हो सकता है। साथ साथ में मीन राशि वालों, कोई भी कार्य करते हैं ज़्यादा मत सोचिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा सोचे बिना कार्य करिए, जरूर से आपको मज़ा आएगा। अगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिचुअल अफेयर में है तो उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मिड के आसपास यानी कि मई जून जुलाई के आसपास आपके जीवन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं ये एक्स्ट्रा मैरिचुअल अफेयर के रिलेटेड, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। हो सके तो ये चीज़ को इग्नोर करिए, इससे अपने आप में अभी से दूरी बना कर रखिए। मीन राशि वालों, ये दूरी बना ली तो आप यह समझ लीजिए कि आप जरूर से खुश रहेंगे और ये नए साल में आपको कोई भी प्रकार के, आप जिस भी भगवान में मानते हैं उनकी आप एक बाधा रख सकते हैं, कोई भी आपका जो कार्य अटक रहा था उस रिलेटेड एक बाधा रख सकते हैं, आपका जरूर से वो कार्य पूर्ण होता आपको नज़र आएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, आपको अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो वो अच्छी पोस्टिंग, अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र मीन राशि वालों आपको ये नए साल में मिल सकता है, यानी कि आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग ज़मीन से किसी जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जीवन में ये नए साल में अच्छी तरक्की देखने को आपको मिलेगी। पैसों का आगमन आपके जीवन में होगा, उधार देने से बचना है और उधार देने से बचना है। मीन राशि वालों, ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तरक्की लेकर आएगा। तो हम आपको दो चीज़ें बोलेंगे, एक तो आपके जीवन में एक विजन बना लीजिए कि आपको ये नए साल में क्या करना है, कि फरवरी के महीने में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, ये अगले साल में क्या करना है, घर लेना है, ऑफिस खरीदनी है, खुद का व्यवसाय शुरू करना है, शादी करनी है, आपका जो भी विजन हो, स्टूडेंट्स के लिए कि मुझे दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करनी है, अच्छी जॉब चाहिए, विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, आपका जो भी विजन हो, नई गाड़ी लेनी है, वो विजन एक बनाइए, तीन विजन बनाइए और वो तीन में से एक या दो के ऊपर आप कार्य शुरू कर दीजिए। आप समझ लीजिए तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। दूसरा, राम भगवान का मंदिर बन रहा है, राम जी की आराधना करें, जय श्री राम का आप पाठ कर सकते हैं और इम्पोर्टेंटली आप यह समझ लीजिए कि आप नए साल में जो शनि की दशा है, शनि का जो गोचर है, यानी कि आप जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हो, आपके दुश्मन हो, कोई भी हो, हर एक इंसान का अच्छा सोचें, किसी के प्रति कोई भी खराब चीज़ ना बोलें, खराब ना करें, ईश्वरीय सहायता जरूर से आपको मिलेगी ये नए साल में। अगर आपने अपनी नीति साफ रखी दोस्तों, तो आप यह समझ लीजिए कि जो पिछले कुछ सालों में आपको नहीं मिला वो ये नए साल में आपको देखने को मिलेगा, उम्मीद रखते हैं। और साथ साथ में हम आपको एक मंत्र भी देते हैं, सूर्य का मंत्र है और एक शनि का मंत्र है। सूर्य का मंत्र है ओम रिम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल अर्पण करते समय यह मंत्र 51 बार उच्चारित करें, जरूर से आपको फायदा होगा। ओम शनि शनिचराय नमः, यह मंत्र भी आप 101 बार शनि देव के महाराज के मंदिर में जाकर रिसाइट कर सकते हैं शनिवार के दिन। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, छोटे गरीब बच्चों को आपके जो जूने कपड़े हैं जो आप पहनते नहीं हैं, ओल्ड क्लोथ्स हम जिसे कहते हैं, वो दान करें, जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही अड़चनें धीरे धीरे कटती जाएगी। तकलीफें कम होगी, अड़चनें दूर होगी, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये नए साल में आपको बहुत कुछ करना है, जज्बा बना लीजिए, विजन बना लीजिए और उसके ऊपर कार्य करिए दोस्तों, जरूर से आपको मज़ा आएगा। उम्मीद रखते हैं आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे, हम बहुत ही जल्द वापस मिलेंगे।
गणेश भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो उम्मीद है आपको ये हमारी खास प्रस्तुति बेहद पसंद आई होगी। सलाह, चेतावनी, समाधान, सब कुछ आपने बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। इसी के साथ नए साल 2024 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।